तीन पाइप होते हैं इसमें, एक ब्लू, एक येलो और एक रेड। अभी रेड वाला भी पाइप इसमें हम लोग लगा देंगे। ये तो बीच वाला बाबा के दरबार को सब्सक्राइब करते हुए आगे चलिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार वापस स्वागत है आप लोगों का बाबा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पैन इंडिया 7 से 8 ब्रांचेस है, लेकिन जो स्टार्टअप ट्रेनिंग्स है, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग्स है, वो हमारे जयपुर मेन ब्रांच में ही होती हैं। और वैसे हर ब्रांच में अलग अलग ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन जो स्टार्टअप ट्रेनिंग है उसका जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है वो जयपुर ब्रांच में फिलहाल रखा है, मेन ब्रांच में। और हम अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं कि हर एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, डिफरेंट गाड़ियां प्रोवाइड करें। मर्सिडीज से लेकर होंडा से लेकर फोर्ड से लेकर स्कोडा, सब गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा एक लेबोरेटरी है, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी ऊपर है, वो डेड इंजन की लेबोरेटरी है। हर एक तरीके की बाइक्स मिलेंगी आपको, स्पोर्ट बाइक्स, बुलेट, BS6, BS4, हर एक तरीके की हमारे पास ट्रेनिंग जो रहती है अवेलेबल रहती है। और बहुत अच्छा रहता है, एक माहौल सा बनता है, क्योंकि जो लेबोरेटरी है उसमें हमने काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रख रखा है। तो और ये हमारा फोर्ड फिएस्टा का ब्लॉक आ गया है, और इसकी थोड़ी बहुत साफ सफाई होगी, उसके बाद हम लेथ का काम करवाएंगे इसमें। और बच्चों को मतलब स्कोडा से लेकर फोर्ड से लेकर मर्सिडीज, BMW, मारुति की गाड़ी भी हम लाए थे एक बार, XUV 700 पे मोटा मोटा प्रैक्टिकल करवाते हैं हम, मतलब हर एक चीज़ पे ट्रेनिंग करवाते हैं। राजेश सर को हर एक गाड़ी का इतना सही नॉलेज है ना, जैसे राजेश सर 10-12 साल से है, राजेश सर हमारे 15-16 साल से इसी काम में है। उनका खुद का एक वर्कशॉप भी है काफ़ी अच्छा जयपुर में, काफ़ी नामी वर्कशॉप है, मैं खुद की गाड़ी वहीं से ठीक करवाता हूँ, और काफ़ी भरोसेमंद है, और पूरा उनको काम आता है A to Z। और अब ये फोर्ड फिएस्टा का काम चल रहा है, साफ़ सफाई होगी, पहले लूज करेंगे बोर्ड्स, उसके अंदर फिर साफ़ सफाई होगी, उसके बाद लेट का काम होगा। और बने रहिए जब तक आप हमारे साथ, बिल्कुल बोर्ड खोले जा रहे हैं इसके। ये इतना बड़ा रॉड इसलिए ताकि टॉर्क पैदा हो, टॉर्क यानी प्रेशर ज़्यादा पैदा हो, जितना लंबा रॉड रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर पैदा होगा, उतना ज़्यादा आसानी रहेगी बोर्ड्स, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स होते हैं, जो ज़्यादा टाइट बोर्ड्स होते हैं वो खोलने में। और कार के बोर्ड काफ़ी ज़्यादा ही टाइट होते हैं, हर कार का जो बोर्ड होता है काफ़ी टाइट होता है, उसको खोलने के लिए काफ़ी टाइट लगता है, मशीन मैन पावर नहीं लगती, मशीन पावर ज़्यादा लगती है। हाँ, जी कुछ होता है इसमें।
वही पैसेंजर जिसका हमने क्लच प्लेट चेंज किया था ना। मक्खन जल्दी क्योंकि एक वर्किंग गाड़ी है तो इसको बहुत नाजुक चीज से तरीके से करना पड़ता है, एक एक चीज का पूरा तरीके से करना पड़ता है, इसलिए सर काफ़ी ध्यान से कर रहे हैं, एक एक पीस को उसी जगह पे सेट कर रहे हैं जहाँ वो पहले था, ताकि बाद में दिक्कत ना आए और गाड़ी में दिक्कत ना आए। चीज़ को साफ़ करेंगे, इसको पूरा डीजल और पेट्रोल से बिल्कुल साफ़ किया जाएगा, एकदम क्लीन करा जाएगा सर, प्रेशर से भी क्लीन किया जाएगा, उसके बाद इसका लेट का काम होगा चालू, और इंजन काफ़ी नया टाइप ही हो जाएगा। कट इधर ही आता है ना सर, कट ये जो कट है उसमें इधर साइड रहेगा ना, उस साइड नहीं दबता कौन सा वाले उसमें कट है ना, ये ऐसी रे ये बाहर साइड में रहेंगे ना, कनेक्टिंग पे टच होंगे वो क्रैंक पे पनर लाओ जी, पनर लाओ, पनर कटिंग वाला आरी का ब्लेड नीचे रखा हुआ, हाँ नीचे है सर। और दोस्तों ये देखिए इंजन पूरा मतलब ऑलमोस्ट असेंबल हो चुका है, छोटा मोटा जो फिनिशिंग का काम है वो सर कर रहे हैं, इधर उधर एक दो पार्ट रह गए छोटे छोटे, उसके बाद हमारी गाड़ी में हम इसको पूरा असेंबल करेंगे, पूरा फिट करेंगे और देखेंगे कि बाकी वर्किंग कर रही है बाकी में गाड़ी या नहीं। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो रहता है कई बार वीडियो भी निकाल रहे हैं टाइमिंग का, क्योंकि बाइक का टाइमिंग जो रहता है वो इतना मुश्किल नहीं रहता है, पर हर एक कार का जो टाइमिंग रहता है इतना मुश्किल रहता है, हर किसी के बस की बात नहीं रहती है, तो वो याद रहे वो हमको बाद में काम आए, इसलिए स्टूडेंट्स जो है वीडियो बना के रख लेते हैं कैसा टाइमिंग सेट कर रहे हैं सर और कैसे हर एक गाड़ी का टाइमिंग रहता है, और ये भी एक क्लीनिंग का पार्टी है हमारे, और वीडियो बना के रख लेते हैं ये लोग ताकि इनको याद रहे, पूरा अभी बस जिसमें असेंबल हो ही रहा है और उसके बाद फिर हम गाड़ी में इसको फिट करेंगे, तब का आपको दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो भाई लोगों पूरा इंजन जो है असेंबल हो गया एकदम फर्स्ट क्लास टिप टॉप नया जैसा एकदम, और अब इसको रेडी है कर रहे हम, इधर फिट करेंगे बढ़िया, पाइपिंग वगैरह सब चेक करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे, ऑल कनेक्शन चेक करेंगे, एसी वगैरह सब लगाएंगे, बहुत भारी रहता है भाई साहब, पांच जन उठा के कर रहे हैं, और ये पाजी की तो बॉडी देखो उसके बाद भी बहुत भारी रहता है इंजन। करीब करीब 80 किलो का तो रहता होगा ये इंजन, 80-100 किलो का काफी भारी रहता है। पूरा इस ये कार में लगेगा, फोर्ड फिएस्टा कहते हैं इसके इस कार को, और पूरी वर्किंग कार है, कस्टमर की कार है किसी की, और उस पर ट्रेनिंग चल रहा है, अंदर से आपको दिखा दे एक बार, कार फोर्ड का जो है बैजिंग आ जाता है, और थोड़ी पुरानी है कार लेकिन बिल्कुल बढ़िया भागती है आज भी, क्योंकि फोर्ड का इंजन आप सबको पता है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है, वॉशिंग करके सब कुछ फिर कंप्लीट देंगे हम जिसकी गाड़ी है ये, और ये फिएस्टा की बैजिंग फोर्ड फिएस्टा। और
वाइन बना दो चीज़ें मुझे कोई आलू मैं नहीं करता वो जो मैं नहीं तो जो फोर्ड का इंजन हो रहा था अभी उसको निकाल के स्टूडेंट ने स्टार्ट कर दिया है गाड़ी में। तो ये सभी तो जो इंजन स्टार्ट किया था अभी सब मस्ती में आ गए, ये फोर्ड का इंजन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये इसका टर्बो चार्जर है, ये इनटेक है, ये आवर एयर फिल्टर लगता है इसका, ये बैटरी है, ये इसका ECM है, रेडिएटर वगैरह पूरी फिटिंग कर दिया, ये इसका स्टीयरिंग पंप है, नीचे अल्टरनेटर है, ये इसकी वायरिंग है, ये इसका कैम सेंसर है, यहाँ से ऑयल की डिपस्टिक होती है, यहाँ से धुआं नहीं आना चाहिए। अगर धुआं आ रहा है इसका मतलब कि रिंग वीक है, और रिंग वीक होने की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है वो लीक होकर कहाँ पहुँच रहा है, चैम्बर में, और चैम्बर में से बाहर निकल के यहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ से धुआं बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चार सिलेंडर इंजन है ये, एक दो तीन चार सिलेंडर इसमें निकल रहे हैं। ये ऊपर हमारे हॉस्टल है 3 फ्लोर पे, और 3 फ्लोर पे नीचे ट्रेनिंग सेंटर है। कैसा लगा इंजन करके? बढ़िया लगा। क्या क्या किया था? सब काम हो गया इसका तो। अच्छा, अभी इसका पता कैसे लगेगा इंजन परफेक्ट है नहीं है? ट्रायल लेंगे सर। ट्रायल लेंगे। प्रदीप सर इंजन ओवरऑल किया है। हाँ। इसमें सारे पिस्टन्स हमने नहीं डाले थे, रिंग्स हाँ। भी नहीं डाली थी। हाँ। ठीक है, और ये जो मेन बिगिन बेयरिंग्स होते हैं हाँ। ये सारी इसकी ट्रायल ट्रायल चल रही है सर, अभी 2 घंटे वर्किंग में रखेंगे इसको। उसको क्या बोलते हैं, रमा रमा होना। हाँ जी बोलिए, क्या कर रहे हैं अभी इसको गाड़ी को? रमा होना क्या क्या होता है, रमा होने से क्या होता है? रमा होना आता है, कोई भी अपने नए पिस्टन डाल लिए, रिंग डाले, क्रैंकशाफ्ट डाले, वो अपनी जगह पे क्या करेंगे, घिस घिस के सेट हो जाएंगे। कोई फॉल्ट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी आ जाएगी, चलती हुई गाड़ी में ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसको बोलते हैं रमा। तो ये अभी हैप्पी स्टूडेंट है सब लोग, जिन्होंने इंजन ओवरऑल किया था आपके सामने, इन्होंने वॉश किया था, यहाँ पर रखा हुआ था इंजन, वॉश किया, क्लीन किया, पार्ट्स डाले, फिटिंग किया गाड़ी में। ये है फोर्ड फिएस्टा कार है, और अभी ये ट्रायल ले रहे हैं। तो इसकी अभी रोड पे टेस्टिंग भी करके अभी दिखाने वाले, रोड पे टेस्टिंग कैसी होगी इसकी ट्रायल अभी आपको दिखाएंगे इसी फोर्ड फिएस्टा में। अभी ये चेक कर रहे हैं कि जो अपना ये तो 80 डिग्री होते ही इस पे
पानी कूलेंट चालू हो गया और इसका फैन भी चालू हो गया। तो अभी चल लेके चलते हैं आपको। बना दिया था अभी आपको, जैसे पता है जब ये गाड़ी खोली थी तो पूरा आगे का हिस्सा पूरा निकला रहता है, पूरा के पूरा फिटिंग खोलनी पड़ती है, आगे बम्पर खोलना पड़ता है, रेडिएटर निकालना पड़ता है पानी का, सारी चीज़ खोलनी पड़ती है। बट जब आप इसको वापस आप लगाएंगे, जब आप इसको वापस इंस्टॉल कर दिया, हम लोगों ने इंजन आपके सामने वीडियो में दिखाया कैसे वॉश किया, कैसे चालू किया, कैसे स्टार्ट किया, तो बैटरी इसमें लगाइए नई, ये अमेरॉन की बैटरी डाली है स्टूडेंट्स ने। अब गाड़ी की ट्रायल हो गई, लेकिन जब आप खोलते हो ना फिटिंग, तो आपको एसी की पूरी लाइनें खोलनी पड़ती हैं, एसी का कॉम्प्रेसर निकालना पड़ता है, एसी का कंडेंसर है जो कहाँ लगता है फ्रंट में यहाँ से, तो पहले एसी का कंडेंसर होता है, उसके बाद रेडिएटर होता है। रेडिएटर क्या करता है, पानी को कूलेंट चलता है और इंजन को ठंडा करने के लिए पानी होता है। एसी का रेट कंडेंसर क्या होता है, उससे आगे होता है कि जो गैस है एसी की उसको कूलिंग करके कहाँ भेजता है, इवेपोरेटर में जो अंदर रहता है। कॉम्प्रेसर इंजन के संग लगता है, इवेपोरेटर वाल इधर लगता है, चार मेन कंपोनेंट होते हैं। अब जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग हम लोग पूरा परफेक्ट करवाते हैं, ऐसे नहीं बस इंजन हो गया बाकी चीज़ भूल गए, चाहे इंजन हो, चाहे ब्रेक्स हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे क्लच प्लेट हो, चाहे एसी हो। तो ये इंजन का जो ये ट्रेनिंग है पूरा होने के बाद, अब हम लोग इसमें एसी के बारे में समझेंगे कि एसी कार में कैसे एसी की गैस डाली जाती है। जो ये मीटर गेजेस हैं ये हमारे पास रहते हैं बाबा ऑटोमोबाइल्स पे, दो इसमें एक ये मीटर रहते हैं, ये हाई प्रेशर का, ये लो प्रेशर का। तीन पाइप होते हैं इसमें, एक ब्लू, एक येलो और एक रेड। अभी रेड वाला भी पाइप इसमें हम लोग लगा देंगे। ये जो बीच वाला होता है इसमें से या तो हम लोग वैक्यूम करते हैं और या फिर गैस डालते हैं। ये जो जो सेंटर वाला जो है, तीन आप पॉइंट देख रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। सेंटर वाला है वैक्यूम करने के लिए या फिर फ्री ऑन गैस डालने के लिए। ये जो है ये इसका रेगुलेटर कहाँ लगता है आपका, लो प्रेशर पाइप में। और जो यहाँ पर जो तीसरा पाइप अभी हम लोग लगाएंगे इसमें क्या लगेगा आपका, हाई प्रेशर पाइप। एसी में कंडेंसर में दो पाइप्स रहते हैं, एक रहता है मोटा, एक रहता है पतला। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, तो ये दो पाइप आप देख रहे हैं, ये वाला पाइप है, ये है आपका 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 मोटा पाइप है, और एक पाइप है आपका ये पाइप है पतला पाइप है। तो दो पाइप रहते हैं हमारे हमारे एसी के, एक रहता है हाई प्रेशर, एक रहता है लो प्रेशर। कंडेंसर कहाँ लग रहा है इसका, यहाँ पर नीचे कंडेंसर लग रहा है, यहाँ से हाई प्रेशर जा रहा है और लो प्रेशर जा रहा है। जब आप फिटिंग खोलते हो आप सिंपली बात समझिए, ये अगर कोई पाइप है, ये मैंने यहाँ से खोला हुआ है, तो यहाँ से जो इसका एयर है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर इस पाइप में भर गई है। अभी मैंने इसको टाइट कर दिया, अब मैं इसमें अगर गैस डालूंगा इसकी पाइपिंग में, तो गैस जाएगी कैसे उसमें पाइप में, क्योंकि पाइप में क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन भरी हुई है पाइप में तो गैस कहाँ से जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आपको फ्री ऑन गैस इसमें डालनी पड़ेगी, लेकिन फ्री ऑन गैस जाएगी कैसे, भरेगी कैसे, जब आपका ये पाइप्स हैं जो गाड़ी में जो पाइप्स जो जा रहे हैं एसी के पाइप्स, वो क्या रहेंगे, खाली रहेंगे। खाली करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें वैक्यूम करते हैं, उसके लिए आता है वैक्यूम पंप। वो कैसे होता है, जो जो येलो पाइप है इसमें हम लोग लगाते हैं वैक्यूम पंप। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के रेगुलेटर हैं, इन रेगुलेटर को कहाँ लगाते हैं हम लोग, जो कंपनी ने इसमें पॉइंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको इसके पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि रेगुलेटर ये कहाँ लगेंगे। लगने के बाद हम लोग वैक्यूम करना स्टार्ट करते हैं लगभग 15 से 30 मिनट तक। उसमें क्या रहता है, जो एसी के पाइप के अंदर जो भी आपकी गैस भर गई थी ऑक्सीजन, वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। और निकलने के बाद फिर हम लोग क्या उसमें इंसेक्ट करते हैं, फ्रीऑन गैस जो कि रहती है R134। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए अभी हम लोग दिखाते हैं कि कैसे पहले हम लोग वैक्यूम करेंगे, फिर कैसे इसमें हम लोग गैस डालेंगे। तो अभी हरिदीप आ गए हैं और ये अभी कॉम्प्रेसर है जिससे हम लोग वैक्यूम करना स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे मीटर्स में वैक्यूम कैसे किया जाता है।
जैसा कि हम देख रहे हैं फोर्थ फेज का एकदम स्टार्ट हो गई है, पूरा इंजन ओवरऑल हो गया इसका, एसी गैस भी भर चुकी है और एसी कूल भी कर रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है सब कुछ। और हम इसके टेस्ट ड्राइव पर जा रहे हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम रहती है नहीं रहती है। अभी राजस्थान ले जा रहे हैं इसको। गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ चल रही है और सब कुछ ओके है। अभी इसको हम लोग कम से कम 80-100 किलोमीटर चला के टेस्ट करेंगे। गाड़ी चलने में एकदम स्मूथ चल रही है, आवाज़ भी बढ़िया है, पिकअप भी एकदम बढ़िया है और ये हम टेस्ट ड्राइव पे चल रहे हैं।